हेलो स्टूडेंट, तो बेटा लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था आपका नॉमिनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, नॉमिनक्लेचर ऑफ फिनोल्स एंड नॉमिनक्लेचर ऑफ ईथर्स। ठीक है, तो वो जो टॉपिक अपने कंप्लीट किया था, अब क्या करना है उसकी प्रिपरेशन आपको देखने की, भैया ये बनता कैसे है ना। तो देखो आज का जो अपना टॉपिक है बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या बोला मैंने? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आपको 5 अलग अलग मेथड से उसको प्रिपेयर करना है। जैसे पहला देखो, यहाँ पे पहला अगर आपको दिख रहा होगा तो पहला है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है ना, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ये तो पता आपको अल्काइल हैलाइड्स क्या होता है। अल्काइल मतलब आपका R होता है और हैलाइड के अंदर में आप कोई भी क्या यूज करते हो, जो भी है आपका क्या यूज करते हो बेटा, जो हैलोजन ग्रुप होता है ना, जो आप हैलाइड बोलते हो उसको, तो जो X होता है ना, ये आपका अल्काइल हैलाइड्स होता है। ये अल्काइल होता है, ये हैलाइड है, मतलब हैलोजन ग्रुप होता है। तो इसका यूज करके आपको क्या करना है, अल्कोहल को अपडेट करना है। कैसे करना है वो देखते हैं आगे बाद में बेटा। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन एक चीज ध्यान में रखना, ये जो आपका बी पार्ट है ये 25% सिलेबस में रिड्यूस किया, इसको कट किया है। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसको ओरली थोड़ा सा पढ़ा दूंगा ताकि आपको कहीं ना कोई यूजेबल हो। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टार करके रख रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये टॉपिक आपका 25% में रिड्यूस किया है। नेक्स्ट बेटा हाइड्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ये होता क्या है, हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन ये चीज आपको पता है, आई थिंक इलेवंथ में आप पढ़े हो। उसके बाद में फोर्थ वन देखो बेटा, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं आपके, उसमें रिडक्शन प्रोसेस करना है, मतलब उसको रिड्यूस करना है कम करके आपको अल्कोहल। उसमें दो प्रोसेस पढ़नी है, जैसे कि रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड और कीटन को रिड्यूस करना है और अल्कोहल आपको ऑब्टेन करना है। और उसमें सेकंड मेथड आपको पढ़नी है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करना है, रिड्यूस करना है। लास्ट में आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये पढ़ाया आपने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। तो ये 5 मेथड से आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें से बेटा सबसे पहली जो ए नंबर पे आती है वो है अपनी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। वो देखते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब ये अल्काइल हैलाइड ये वर्ड तो आपने सुना है, अल्काइल और हैलाइड ये ग्रुप होता क्या है, तो इसमें होता क्या है देखिए ध्यान में रखना, बाय हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। कौन सी बोला मैंने, हाइड्रोलिसिस। कौन सी प्रोसेस बेटा, हाइड्रोलिसिस विथ किसके साथ में, एक्वियस अल्कली। एक्वियस अल्कली, ठीक है बेटा। अल्कली का मतलब क्या होता है आपको पता है, जिसको अपन बेस बोलते हैं और इसमें ज्यादा यूज होता है, दैट इज KOH एंड NaOH। ये दोनों ध्यान में रखना, कौन सा KOH एंड NaOH। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ध्यान रखना, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब कौन सा होता है आपका, OH ग्रुप को आपको ब्रेकिंग करना होता है। ठीक है, तो अपन पहला टाइप जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, पहला जो पढ़ रहा बेटा अल्किल हैलाइड्स, इसमें क्या होता है, अल्किल हैलाइड में बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्वियस अल्कली। अल्कली मतलब होता है बेस, बेस में अपन क्या यूज करेंगे, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या बताया मैंने, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब जो OH ग्रुप है उसको ब्रेक करना है और वो आपके अल्किल ग्रुप के साथ में टाई अप होके आपका अल्कोहल फॉर्म करेगा। जैसे कि इसकी एक जो शॉर्ट केस अपन हर बार जैसे देखते हैं, देखो अल्किल हैलाइड मतलब होगा बेटा आपका RX। अल्किल हैलाइड मतलब कौन होगा आपका, RX। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ये होगा आपका अल्किल हैलाइड, साथ में इसके जो रिएक्शन होगी वो बेस के साथ होगी ना, अल्कली के साथ में, तो अल्कली बेस कौन सा ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगी इसके अंदर में, तो हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ से ब्रेकडाउन कौन हो जाएगा, OH। यहाँ से ब्रेकडाउन कौन हो जाएगा, OH, तो OH इसकी जगह पे आ जाएगा और ये जो X है ये Na के साथ में कंबाइन हो जाएगा, बराबर है। तो ये सॉल्ट के फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये आपका क्या मिलेगा, ROH, मतलब ये कौन मिलेगा आपको, अल्कोहल, और आपका ये NaX, मतलब ये सॉल्ट के फॉर्म में आपको बाहर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ अल्काइल हैलाइड, बराबर है। अब इसमें होता क्या है तो आपने देख लिया, चलो फट से एग्जांपल देखते बेटा। एक पहला एग्जांपल अगर लूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट एग्जांपल। तो ये जो RX है तो मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा CH3Br,
ठीक है। सी एच थ्री भी अगर अगर ले लिया, ये होगा मेरा मिथाइल ब्रोमाइड, अल्काइल हैलाइड है ना, तो ये बन गया मेरा मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या मिलेगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, यहाँ से ब्रेकिंग होगा, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हो रही है ना, तो ये OH क्या होगा, सब्सटीट्यूट होगा Br के जगह पे, Br यहाँ सब्सटीट्यूट होगा Na के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा CH3OH और प्लस NaBr। क्या नाम है इसका, मिथाइल अल्कोहल है ना, या फिर मिथेनॉल, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिथेनॉल, क्या बोलेंगे इसको, मिथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल सोडियम ब्रोमाइड। समझ में आई बात, ये हो गया बेटा आपका अल्कोहल मिथेनॉल, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं मिथाइल अल्कोहल, क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल अल्कोहल। पहला एग्जांपल क्लियर हो गया, चलो फट से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, C2H5, अब यहाँ पर ले लिया मैंने Cl, ठीक है, ये होगा मेरा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रीटेड में करूँगा, लेकिन जो NaOH है ये कैसा चाहिए बेटा, एक्वियस, ये चीज़ ध्यान में रखना, बोला ना मैंने एक्वियस अल्कली चाहिए, एक्वियस अल्कली मतलब क्या होता है, ये चीज़ पता है आपको, एक्वा मतलब होता है पानी, और पानी के अंदर में डीजल चाहिए, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं अपन एक्वियस, मतलब ये, तो यहाँ पे ले लेते फिर से अपन NaOH, क्या होगा, ये हाइड्रोलिसिस होगा, OH यहाँ पे आ जाएगा, ये Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यस C2H5OH प्लस ये क्या हो जाएगा आपका NaCl, ठीक है। अब C2H5OH जो है इसका नाम बनेगा बेटा आपका इथेनॉल, और दूसरा नाम है इसका इथिल अल्कोहल, है ना। उसी प्रकार सेम टू सेम हम अगर यहाँ पे कोई तीसरा एग्जांपल अगर देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड एग्जांपल, यहाँ पे जगह इसके कारण, तो मैंने फिर से ले लिया यहाँ पे CH3Br या फिर Cl ले लेता हूँ, यहाँ पे CH3Br लिया था, तो यहाँ पे मैं Cl ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया बेटा KOH, क्या यूज़ किया, KOH, तो जैसे यहाँ पे NaOH के, यहाँ पे NaOH, अब यहाँ पे KOH यूज़ किया, तो ये OH ब्रेक हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस CH3, ये OH साथ में कौन आ जाएगा, ये KCl फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा, KCl, ये होगा आपका फिर से मिथेनॉल, ये मिथाइल क्लोराइड होगा, क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, ये KOH, लेकिन ये भी कैसा चाहिए आपको, एक्वियस, ये भी कैसा चाहिए, एक्वियस, ठीक है, ये आपका बन जाएगा मिथेनॉल और ये पोटेशियम क्लोराइड। उसी प्रकार अगर फोर्थ एग्जांपल ले C2H5, अब यहाँ पे मैंने Cl लिया था, यहाँ पे अपन Br ले लेते हैं, अल्टा पल्टी करते थे, प्लस KOH, ये भी कैसा रहेगा, एक्वियस, तो यहाँ पे सेम टू सेम प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, यस C2H5Br प्लस KOH, ठीक है, ये भी एक्वियस, इसका नाम क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड और ये KOH, ये क्या होगा आपका, यस इथेन, यहाँ पे OH चाहिए, ठीक है, OH और ये क्या हो जाएगा, KBr, ठीक है, तो इसका नाम बनेगा बेटा इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, ये पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस प्रकार से रिएक्शन होगी। तो फोर एग्जांपल्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे कि अल्काइल हैलाइड से अपन अल्कोहल कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्या करना है, अल्काइल हैलाइड जब भी प्रोसेस अपन करेंगे अल्कोहल ऑब्टेन के लिए, सिंपल अल्काइल हैलाइड के अंदर में हाइड्रोलिसिस कर देना विथ एक्वियस अल्कली के साथ में, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका बेटा अल्कोहल, ठीक है। तो ये था पहला जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, पहला टाइप फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब दूसरा जो है वो ओरली मैं आपको बता दूंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 25% सिलेबस में रिड्यूस किया, अगर आप चाहते हो ये मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप मुझे बताना वैसे इस हिसाब से, नहीं तो फिर अपन डायरेक्ट थर्ड टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा अपन यही रुकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।